आपको हुआ दिया था करके लाए। यस सर, सबने किया है। यस सर, समर खड़े हो, हुआ किया है? नहीं सर। क्यों नहीं किया है? लाइट नहीं थी, बत्ती जला लेते। माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? मस्जिद में रखी थी तो मस्जिद से ले आते। खाया नहीं था सर। क्यों नहीं थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों चल रही थी? इतनी बात समझाया सर, लाइट ही नहीं थी। बैठ जाओ ना, लाइक खड़े हो। अगर एक तरफ पैसा हो दूसरी तरफ अक्ल हो तो तुम क्या चुनोगे? सर मैं पैसे चुनता। नलायक, अगर मैं तुम्हारी जगह आता तो अक्ल चुनता। ठीक है सर, आपने जिस इंसान को जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। बैठ जाओ नलायक, खड़े हो। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया का नाम बताओ। नलायक, पापा क्या काम करते हैं? बजता के शूटर है। बैठ जाओ, शाबाश। सारे लिखो हाथी, खड़े हो। दुनिया में कितने बड़े आजम है? दुनिया में चार बड़े आजम है, नाम बताओ। कायदे आजम, सिकंदर आजम, मुगले आजम और चौथा मेरा चाचा हाजी आजम। शाबाश। 1876 में क्या हुआ था? कायदे आजम की पैदाइश हुई थी। 1889 में माशाल्लाह कायदे आजम 30 साल के हो गए। नलायक, यही मैंने पढ़ाया था तुझे। बैठ जा, खड़े हो। मैं तुम्हें जॉक से मार दूंगा इसकी इंग्लिश में। तेरी इंग्लिश की बात मुझे हाथ तुड़का के दिखा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बच्चों, जो अपनी बात किसको समझा ना सके वो गधा होता है। क्या सर, मुझे आपकी समझ नहीं। बैठ जाओ गधे। बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है, तुम खड़े हो। मैंने क्या बताया? सर आपने कहा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। नलायक, बैठ जाओ। समर खड़े हो। ये आपकी क्लास का सबसे ज़हीन लड़का है। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, इसका जवाब दो। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या फर्क है? इम्पोर्ट का मतलब बुलावल भट्टो, एक्सपोर्ट का मतलब मरियम नवाज। नलायक, सोच समझ का जवाब दो। अब कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हम सबको कोई सबक मिले। जब मैंने उसको फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और जब मैंने उसको फोन किया तो मैंने भी नहीं उठाया। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। नलायक, सोच समझ कर कुछ नया करो। अब मरने के बाद जब तुमसे पूछेंगे जन्नत में जाओगे जहन्नम में, तो क्या जवाब दोगे? मैं उनसे कहूंगा कि जमीन से मेरा चार्जर और मोबाइल ले आओ, फिर मुझे जन्नत में भेजो या जहन्नम में। नलायको, आज सबको ऐसे कहूंगा ना कि सब कुछ याद करके आए हुए। खड़े हो।